ये देखिए भैया, मैं आपके लिए कितना सारा मिठाई लेके आई हूँ। लीजिए लीजिए, खाइए। अरे सुहानी, इस साल हमें दिवाली पे कौन से फटाके लेने, तूने अभी तक बताया नहीं। अरे अभी पापा का मेरे पे कॉल आया था, उन्होंने बोला कि हमारे लिए भी पटाखे लेके आ रहे। बच्चों ये देखो मैं तुम्हारे लिए कितने सारे पटाखे लाया हूँ। अरे वाह दिखाओ। अरे वाह, अनार, चक्री और पापा। हाँ पापा, सूत्री बॉम्ब, रॉकेट्स। पापा इन सारे पटाखे फोड़ कर तो बहुत मजा आएगा। ठीक है बच्चों, तुम पटाखे लेके छत पे जाओ, मैं फ्रेश होके आता हूँ। अरे प्रियांशु, हमें पटाखे लेके जल्दी से छत पे जाना होगा, अगर मम्मी को पता चल गया तो हमें इनमें से एक भी पटाखा नहीं मिलने वाला। तुझे याद है ना पिछले साल मम्मी ने क्या किया था? ये लो सुहानी बेटा, तुम्हारे लिए एक बम और एक फुलझड़ी। और ये लो प्रियांशु, तुम्हारे लिए भी एक बम और एक फुलझड़ी, और बाकी का ये तो अगले साल काम आ जाएगा। हाँ हाँ सुहानी, बच्चों इतने सारे पटाखे एक साथ जलाने जा रहे हो? अरे नहीं नहीं मम्मी, हम तो थोड़े थोड़े पटाखे चलाएंगे बचत करके। हाँ हाँ मुझे पता है कि तुम लोग कैसे बचत करते हो। चलो लाओ उठा दो पटाखे। अरे मम्मी देखो आपके पैसे गिर गए। प्रिया जो बाहर। पटाखे छोड़ो, पाला जाना ज्यादा जरूरी है। कंजूसी में तो मैं सबकी माँ हूँ, मुझसे कोई नहीं जीत पाएगा। अरे बेवकूफ, तूने मम्मी को पटाखे क्यों दे दिए? आज तक तुझे पार्लर लेके गई है क्या मम्मी, जो अब ले जाएगी? अरे ये मैंने सोचा ही नहीं था। मम्मी मुझे मिठाई खानी है, थोड़ी दो ना। अरे अभी क्यों मिठाई चाहिए? अभी तुम खाओगे तो शाम को क्या खाओगे, सब खत्म हो जाएगी ना। अभी तो जैसे तैसे इस प्रियांशु को मैंने टाल दिया है, लेकिन शाम तक इस पर मुझे नजर रखनी होगी, कहीं ये किचन में जाके चोरी करके मिठाई ना खा ले। अरे मामा आज दिवाली है, आप हमारे लिए क्या लाए हो? अरे बच्चों मैं कुछ लाया तो नहीं, लेकिन दिवाली है तो सोचा कि मैं तुम दोनों को मिलके चलूं और मेहनत को। मामा आप आ ही गए हो तो थोड़ी सी मिठाई खा के ही जाओ। लगता है मिठाई तो प्रियांशु को खाना है, लेकिन ये मामा का नाम दे रहा है। हाँ ठीक है बैठिए, मैं अभी लेके आती हूँ मिठाई। ये देखिए भैया, मैं आपके लिए कितना सारा मिठाई लेके आई हूँ। क्या से क्या हो गया? लेकिन ये सिर्फ आप अकेले नहीं खाएंगे, हम सब मिल बांट के खाएंगे। लीजिए लीजिए खाइए। अरे यार मुझे लगा मामा के बहाने मैं भी मिठाई खा लूंगा, लेकिन मम्मी ने तो कंजूसी की हद कर दी। मामा दो मिनट मेरे साथ अंदर चलिए ना। अरे क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? जरूर कुछ गड़बड़ है, मुझे जाके देखना होगा। अरे ये क्या कर रहे हो आप दोनों, लाओ इधर। अच्छा तो मुझसे चोरी छुपके यहाँ आप लोग मिठाई खा रहे हो। भैया ये तो छोटा बच्चा है, आप तो बड़े हो ना, आप भी इसका साथ दे रहे हो? अरे मम्मी आप मामा को कुछ मत बोलो, एक तो सुबह से मिठाई भी नहीं खाने दे रहे हो, ऊपर से डांट रहे हो। तो चुप कर। अरे भैया आपको तो पता है ना मिठाई कितनी ज्यादा महंगी हो गई है, अगर इस साल ही मैंने सारी मिठाई खत्म कर दी तो अगले साल की क्या बचेगा, और आपको तो शायद डायबिटीज है ना। अरे ये तुम क्या बोल रही हो? अरे मेरा कहने का मतलब है कि हो जाएगा, तो जो मिठाई खाने की जरूरत नहीं है। पापा पापा बोलो बच्चों। पापा मुझे 300 रुपए चाहिए, मुझे मूवी देखने जाना है। पापा मुझे 200 रुपए चाहिए, मुझे मेकअप को सामान लेना है। अच्छा ठीक है, ये देखो 500 रुपए, इसमें से 200 रुपए तुम रखे ना और 300 तुम रखे ना। लाओ मेरे पैसे।
अरे मम्मी क्या हुआ? हाँ, आपने हमारे पैसे क्यों ले लिए? अरे क्या जरूरत है तुझे बाहर मूवी देखने जाने की? तेरे पास तो स्मार्टफोन है ना, और उसमें कितने सारी मूवीज पड़ी है, उसमें से कितने देखता? और हाँ, तेरे पापा, उनके पास तो लैपटॉप भी है, वो पता नहीं कहाँ कहाँ से मूवी डाउनलोड करके लेके आते हैं, तो उसमें से भी देख सकता है ना। और तुझे पता है हमारे जमाने में तो 300 रुपए में हम पूरी साल मूवी देख लेते थे। आया बड़ा एक मूवी 300 रुपए में देखने वाला। अरे रश्मि, ये कौन सा रोज रोज मूवी देखने आता है, कभी कभार तो जाता है, इसे जाने दो ना। महंगा कितनी ज्यादा बढ़ गई है, और 300 रुपए में तो मैं एक महीने सब्जी खरीद के आप सबको खिला दूं। पापा आप मुझे तो 200 रुपए दिला दो मेकअप के लिए। अरे इसको तो कम से कम 200 रुपए दे दो। अरे सुहानी तू पागल है क्या, मेकअप के पीछे कौन 200 रुपए बर्बाद करता है? बचपन से तेरे चेहरे को मैंने इतने अच्छे से ध्यान रखा है, और तुझे पता है मेकअप में कितने सारे केमिकल्स होते हैं, उससे तेरा चेहरा उल्टा काला पड़ जाएगा। अरे लेकिन तुम खुद तो अपने चेहरे पे मेकअप यूज करती हो। अरे तुषार वो तो मैंने शादी के टाइम पे मेरे मायके वाले ने मुझे दिया था, और वो मैं थोड़ा थोड़ा यूज करती हूँ ना, तभी तक खत्म नहीं हुआ है और उससे खराब नहीं होगा। क्या नाम है? चलो ये 500 रुपए मैं रख लेती हूँ, इसमें मेरी 2 महीने की सब्जी आ जाएगी। बच्चों पता नहीं कैसे कंफ्यूज होने के बाद आ रहा है। अरे मम्मी दिए तैयार हो गए, ताव मुझे दे दो, मैं इसमें तेल डाल के घर में सजा देती हूँ। ठीक। ए सुहानी रुक, ये क्या कर रही है तू? इतना सारा तेल कौन डालता है दिए में? अरे मम्मी अगर हम दिए में इतना तेल ही रखेंगे तो दिए जल्दी बुझ जाएंगे। रात भर तेरे दिए कौन देखने आ रहा है कि जल रहे हैं या बुझ रहे हैं? सिर्फ 10-15 मिनट ही तो जलाने होते हैं। इतने तेल में तो मैं पूरी दिवाली दिए जला सकती हूँ। तू जा जाके दूसरा काम कर, ये मुझे दे दे, मैं जला लूंगी। चलो दिए तो रेडी हो गए, अब मैं इसे सजा देती हूँ। वैसे भी किसी को क्या पता चलेगा कि ये उसके दिए हैं या मेरे दिए हैं।